सो आज हमारे नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है। चैप्टर का नाम है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। तो कैपिटल बजटिंग ये चैप्टर है वो एफएम का चैप्टर नंबर 2 है। इसके अंदर दो पोर्शन के अंदर ये चैप्टर डिवाइड किया गया है। वहाँ ये चैप्टर दो पोर्शन में इस तरीके से, यहाँ है एक मतलब हमारा कैपिटल बजटिंग एंड दूसरा होगा आपका प्रोबेबिलिटी एनालिसिस। तो ये दो पार्ट में पूरा का पूरा चैप्टर डिवाइड है एंड इस दोनों पार्ट में से सबसे इजियर पोर्शन जो होगा वो होगा हमारा ये प्रोबेबिलिटी एनालिसिस। सबसे स्कोरिंग कंसेप्ट रहेगा अगर आपने परफेक्टली ध्यान दिया जब कंसेप्ट कराओगे तब। बट कैपिटल बजटिंग जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है अगर हम फिनेंशियल एस्पेक्ट के ऊपर से देखें, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट का जो मेन कोर कंसेप्ट है वो है कैपिटल बजटिंग। सो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स जो है वो हर एक बड़ी फर्म के अंदर यूज़ होती है। जब भी कंपनी सोचती है कि हमें कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है तब वो ये सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर उनको जहाँ लगता है कि हमारा प्रोजेक्ट मतलब हमारा जिस प्रोजेक्ट के अंदर हम इन्वेस्ट करने वाले हो वहाँ सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन से मेथड के अंदर मिल रहा है, फिर वो कंपनी वो मेथड को फॉलो करती है और उस तरीके से प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के पहले देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो है वो हम इस पार्ट के अंदर देखने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो डिविडेंड डिसीजंस थे वो हमने अर्लियर चैप्टर के अंदर कवर कर लिए थे डिविडेंड डिसीजन। एंड बाकी के जो टॉपिक थे फिनेंस रिलेटेड डिसीजंस वो हम मतलब पहले के चैप्टर्स में देख लिया। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर फोकस करना है। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर ध्यान में रखते हुए फटाफट टॉपिक पर आ जाते हैं। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के अंदर दो फेज थे, मतलब जब पहले कोई मॉडर्न एरा था, मतलब जब हम ट्रेडिशनल एरा की बात करें एंड मॉडर्न एरा की बात करें, तो जब ट्रेडिशनली हम अगर देखेंगे तो वहाँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो फैक्टर था वो फैक्टर कंसिडर नहीं करते थे। वहाँ के जो फिनेंशियल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने ऐसे बोला कि हम यहाँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं कंसिडर करते, मतलब कि ट्रेडिशनल टेक्निक्स के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं कंसिडर किया जाता था। ये सारे के सारे नोट्स मैं अपलोड तो कर दूंगी आपको, बट अभी हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप जब पढ़ो तब आपको ये एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए। अब ट्रेडिशनल टेक्निक के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं करेंगे तो इसके अंदर हमें तीन टेक्निक्स देखने मिलेगी। पहली है पेबैक मेथड, फिर आता है पेबैक रेसिप्रोकल एंड देन अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लोज टेक्निक्स नहीं, तो ये टेक्निक से वो मॉडर्न एरा के अंदर यूज़ होती है। अब इसके अंदर भी फाइव मेथड्स हम देखेंगे एंड ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करती है। मतलब कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है कि 10 साल अब हमारे प्रेजेंटली जो 10 रुपये की वैल्यू है उसकी फ्यूचर के मतलब कि उसकी आने वाले 10 सालों के बाद कितनी वैल्यू होगी। तो ऑब्वियसली तो अगर आप प्रिडिक्शन लगाए तो उस 10 रुपीज़ की वैल्यू डिक्रीज ही होने वाली है, क्योंकि जो चीज़ आज 10 रुपये में मिल रही है पॉसिबल थोड़ी है कि वो फ्यूचर में 10 ईयर्स के बाद भी उसी प्राइस में मिले। प्राइस में फ्लक्चुएशंस तो होते रहेंगे, तो इन फ्लक्चुएशन को कंसिडर किसने किया है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ हम फ्यूचर वैल्यू जो फ्यूचर में जो हमारे 10 रुपये की वैल्यू होगी, मतलब कि हमारे करंटली जो 10 रुपये उसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी उसको हम कंसिडर करेंगे, मतलब कि फ्यूचर में मिलने वाली वैल्यू को हम प्रेजेंट में लेके आएंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम पूरा का पूरा कैलकुलेशन करेंगे। अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स के अंदर ये 5 टेक्निक्स है एंड इस चैप्टर का रिलेवेंस जो है वो प्रीवियसली हमने कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जो देखा था, तो कैपिटल स्ट्रक्चर का जो भी पार्ट था उसके अंदर WACC मतलब कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने निकालना सीख लिया होगा। सो उसके अंदर कैसे हम वेट असाइन करते हैं, फिर हमें एक रेट दी जाती है डिस्काउंटिंग रेट, उसके अकॉर्डिंगली हम वो सारी रेट्स कैलकुलेट करते हैं। वेट डिस्काउंटिंग रेट हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, राइट, विच इज़ लाइक 1/1.1 एंड फिर उसको 5 टाइम्स इक्वल टू करो अगर 5 ईयर्स का है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत सारे कैलकुलेशन वहाँ किया था, तो ये सेम मेथड डिस्काउंटिंग टेक्निक्स के अंदर भी यूज़ होने वाली है। तो मैं यहाँ ये अजम्पशन लेके चल रही हूँ कि आपने प्रीवियसली जो मैंने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर का जो चैप्टर कराया था उसके अंदर जो WACC कैलकुलेट करना वो आपको यहाँ आ रहा है, मैं अज्यूम कर रही हूँ। एंड उसी के साथ कंसेप्ट के ऊपर आज कंसेप्ट की शुरुआत कर लेते हैं। सो यहाँ हम पहले सबसे पहले देखेंगे पे बैक पीरियड का ही मतलब नॉर्मल सेंस में अगर देखा जाए तो जो हमने बोरो किया है उसको हम पे कितने सालों के अंदर करने वाले हैं उसका मतलब ही होता है पे बैक पीरियड। बट ये FM का सब्जेक्ट है तो यहाँ पे बैक पीरियड का मतलब कुछ अलग होगा। अलग इन अ सेंस व्हाट, कि यहाँ क्या होगा कि जो हम पैसा हम किसी प्रोजेक्ट के अंदर लगा रहे हैं तो वहाँ अगर समझो मैंने एक मशीनरी खरीदी है
मशीनरी खरीदी जिसकी वर्थ है 10 लाख, राइट। तो मैंने ये परचेज कर ली है। अब ये 10 लाख में से अगर मैंने ये मशीनरी परचेज की है तो समझो वो मुझे फ्यूचर में 15 लाख का प्रोडक्शन करके दे रही है, 15 लाख का वो प्रोडक्शन मुझे करके दे रही है। सो कहीं ना कहीं कॉस्ट रिकवर हो जा रही है यहाँ, और हमें 5 लाख का प्रॉफिट भी हो रहा है। कैसे? 10 लाख में से 15 लाख माइनस करोगे तो 5 लाख जो रेसिड्यूअल बचा वो हमारा प्रॉफिट है। तो इसका मतलब क्या कि वो प्रोजेक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, हमें वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि वहाँ हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच इज़ 10 लाख रुपीज़ यहाँ रिकवर हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे बैक मेथड में क्या होगा, आपको इनिशियल कैश फ्लोज दिए होंगे क्वेश्चन के अंदर, ही इनिशियल कैश फ्लोज दिए होंगे, उसमें से आप जो भी आपको हर एक साल में जितनी भी आपको उस प्रोजेक्ट के अंदर जब ने पहले ईयर में इन्वेस्टमेंट की उसका कितना प्रपोर्शन आपको रिकवर होते जा रहा है, तो वो सारे प्रपोर्शन को मतलब कि वो कैश फ्लोज को आप क्या करोगे, क्यूमुलेटिवली ऐड करोगे एंड देन अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप उसको डिवाइड करोगे। तो यहाँ जो फार्मूला होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि हमारी प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी या फिर हमने अगर लीज पे लिया होगा तो जो लीज पे किया होगा वो, डिवाइडेड बाय ऑल द कैश फ्लोज टोटल ऑफ ऑल द कैश फ्लोज, ये हमारा यहाँ फॉर्मूला रहने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि समझो फ्यूचर के अंदर लेट्स सपोज आपने 10,000 की इन्वेस्टमेंट की है, समझो आपने कोई मशीनरी परचेज़ कर ली। अब वो मशीनरी जैसे कि मैंने पहले भी बताया था एग्जांपल के अंदर, समझो वो मशीनरी है, अब हमें 15,000 का वो बेनिफिट दे रही है। तो इसका मतलब बट ये 15,000 का जो बेनिफिट है वो हमें समझो 5 साल के अंदर मिलने वाला है, मतलब कि ये 10,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है एंड 5 सालों में मिलने वाला। तो 15,000 यहाँ ही कैलकुलेशन करते हैं, इनिशियल कॉस्ट है हमारी 10,000 रुपीज़, एंड उसका बेनिफिट जो है वो हमें 15,000 रिसीव होने वाला है टोटल कैश फ्लो। फॉर 5 ईयर्स तो अगर एनुअल कैश फ्लो ढूंढना होगा तो आप कैसे करोगे, 15,000 मुझे टोटली मिल रहा है फॉर 5 ईयर्स, तो 1 ईयर के लिए कितना, तो कितना आएगा आंसर, 3,000 रुपीज़ फॉर ईच ईयर, पर ईयर आपको इतनी रिकवरी हो रही है। सो इनिशियल कॉस्ट लेस करोगे आप फिर उसमें से 3,000 ऐसे ईयर वन पे मिलेगा, 2, 3, 4, 5, तो ऐसे ऐसे करते आपको यहाँ ये कैश फ्लो मिल रहा है। अब पे बैक पीरियड आप कैसे कैलकुलेट करोगे, पे बैक पीरियड देखो यहाँ क्या होगा, आपकी इनिशियल कॉस्ट कितनी थी, 10,000 रुपीज़, राइट। अब आपको वो कौन से ईयर में वो कॉस्ट रिकवर हो रही है, तो कहीं ना कहीं अगर आप इसका क्यूमुलेटिव निकालोगे, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज, ये कैश मतलब आप समझ जाना, यहाँ मैंने लिखा कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कैसे निकलता है, 3,000, इन 3,000 के अंदर ये 3,000 प्लस करो 6,000, इसके अंदर ये 3 प्लस करो 9,000, फिर 12,000 एंड देन फिर ये 15,000। तो जैसे कि हमने यहाँ अज्यूम किया था कि भाई हमारा यह 15 ईयर्स जो है वो टोटल कैश फ्लो है। अब आपको पे बैक पीरियड में क्या निकालना है पता है, आपको ये निकालना है कि मुझे 15,000 की रिकवरी कौन से पीरियड के अंदर हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको करना होगा। सो जैसे कि हमें यहाँ पता चल रहा है यहाँ हमारी जो है वो रिकवरी हो रही है, ये वाला जो फेज़ है, तो वहाँ हमारी 10,000 की रिकवरी हो रही है, बट ये 10,000 की रिकवरी जो है वो इन 2 सालों के बीच में हम अज्यूम कर सकते हैं 9,000 एंड 12,000, तो कहीं ना कहीं इन 2 पीरियड के बीच में ही हमारे 10,000 की रिकवरी हो रही है। अब वो किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, वो फॉर्मूला इस तरीके से है कि यहाँ कैश फ्लो जो था वो प्लस हमें कितने की रिक्वायरमेंट है, ये हमें 12,000 मिल रहा है एट द एंड ऑफ 4th ईयर, तो कितना मिल रहा है, 12,000 मिल रहा है, बट हमें रिक्वायरमेंट कितनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, हमें तो सिर्फ और सिर्फ 12,000 में से 1,000 की रिक्वायरमेंट ही है 10,000 की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के लिए।
सो 9,000 तो मिल रहा था, अब सिर्फ एक 1,000 की और ज़रूरत है, तो वो हमने 1,000 यहाँ लिख लिया एंड देन डिवाइडेड बाई एडिशनल कितना आया है 12,000 के अंदर, 12,000 मतलब कि हमें तो सिर्फ 10,000 चाहिए थे, एडिशनल कैश फ्लो हमारे पास 2,000 आ चुके हैं, तो 2,000 सॉरी यहाँ मिस्टेक ये हुई है फॉर्मूला के अंदर, यहाँ ना आपको इनिशियली इन्वेस्टमेंट वो नहीं लिखनी है, यहाँ आपको ईयर लिखना है कि कौन से ईयर के अंदर हमारी रिकवरी होने वाली है। सो 3 एंड 4 इन 2 सालों के बीच में होने वाली है रिकवरी हमारी, सॉरी 3 एंड 4 नहीं, यस 3 एंड 4 के अंदर हमारी रिकवरी होने वाली है, बट उसमें से छोटा ईयर कौन सा है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे एंड इन दोनों का डिफरेंस क्या है विच इज 3 माइनस 4 या 4 माइनस 1 लिखो, 4 माइनस 3 लिखो, 4 माइनस 3 तो आपको यहाँ पे बैक पीरियड मिल जाएगा एंड पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा आप 3 इंटू, अब यहाँ तो 0,000 एंड 0.5 आई गेस, एंड ये तो 1 ही है तो ऑब्वियसली, तो 3.5 ईयर्स के अंदर हमारी रिकवरी हो रही है, ये हमें क्वेश्चन बता रहा है। सो इसके अकॉर्डिंगली ये हमारा पे बैक पीरियड आ चुका है 3.5 ईयर्स, बट ये जो मैंने मेथड बताई है ये वाली मेथड कि हम ऐसे क्यूमुलेटिव करेंगे, तो इस मेथड के अंदर अगर हमारी ये जो कैश फ्लोज है वो अगर कांस्टेंट नहीं हुए तो उस केस के अंदर क्या होगा, मतलब कि ये जो मिलने वाले कैश फ्लोज है तो अगर वो कांस्टेंट नहीं होगे तो उस केस के अंदर, मतलब उस केस के अंदर भी क्या है कि मतलब मेथड तो सेम ही फॉलो होने वाली है बट इसका शॉर्टकट भी है, बट वो शॉर्टकट बताने से अच्छा मैंने आपको लॉन्ग कट ही बता दिया है ताकि कोई क्वेश्चन के अंदर आपको कन्फ्यूजन ही ना हो, क्योंकि अगर मैंने ऐसे बताया कि डायरेक्टली आपको जो कैश फ्लोज है वो सारी क्या है कि वो कैश फ्लोज यूनिफॉर्म है, तो उसके अंदर एक दूसरा और फॉर्मूला है जिससे इजीली आंसर निकल सकता है, मैं फॉर्मूला बता देती हूँ आपको, बट अगर आप ये मेथड फॉलो करोगे तो क्या है वो उस मेथड से भी आंसर तो सेम ही आने वाला है, बट वो मेथड फिर ना जिस कैश फ्लोज के अंदर हमारी यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, मतलब कि कैश फ्लो समझो यहाँ हमें 3,000 पर ईयर मिल रहा है, बट कहीं ऐसा हो सकता है कि प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग हमें फर्स्ट ईयर में 3,000 मिले, फिर 4,000 मिले, फिर समझो 2,000 ही मिले, तो ऐसे जो पीरियड्स होगी उसके अंदर फिर ये मेथड काम नहीं आएगी, कौन सी वाली जो मैंने शॉर्टकट आपको मेथड नहीं बताई है वो वाली काम नहीं आएगी, फिर वहाँ आपको ये मेथड यूज़ करनी पड़ेगी, तो इससे अच्छा हमने पहले ही वो मेथड देख ली है, तो ये मेथड तो दोनों में ही फॉलो होने वाली है, तो इसके अकॉर्डिंगली पे बैक पीरियड 3.5 ईयर्स आया। सेम अब आते दूसरे कंसेप्ट के ऊपर, तो वो है पे बैक रेसिप्रोकल। पे बैक रेसिप्रोकल मीन्स वॉट, इन दैट इन दिस मेथड हमें ये पता चलता है कि हमारा कैश फ्लो जो हमें मिलने वाला है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो पे बैक रेसिप्रोकल मतलब क्या, हमने जो भी इन्वेस्टमेंट की है उसके अकॉर्डिंगली हमें कितना पैसा हर एक साल में कितना पैसा रिकवर हो रहा है, तो जितना पैसा जल्दी रिकवर होगा उतना अच्छा है। तो पे बैक पीरियड के अंदर नॉर्मली रूल ये होता है कि लोअर द पे बैक पीरियड बेटर इट इज, ऐसा यहाँ इस टेक्निक के अंदर बोला जाता है, पे बैक पीरियड के केस में ऐसा बोला जाता है कि लोअर द पे बैक पीरियड बेटर इट इज, बट पे बैक रेसिप्रोकल मतलब क्या, यहाँ आपको इन्वेस्टर के मतलब जो भी उनको कैश फ्लोज मिलने वाला है उसके अकॉर्डिंगली सोचना है, बट पे बैक पीरियड के अंदर आपको कितने ईयर के अंदर पैसा वापस आएगा, पैसा कितने ईयर्स में वापस आएगा उस पॉइंट ऑफ, मतलब कि ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है पे बैक पीरियड के अंदर, बट पे बैक रेसिप्रोकल के अंदर सोचना है अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे वो अमाउंट हर एक साल में कितनी मिल रही है, तो जहाँ आपको कैश फ्लो ज़्यादा जल्दी से मिलेंगे, मतलब 4 साल के अंदर रिकवरी हो रही है जो कि नॉर्मली 5 ईयर्स के अंदर होती है, तो अब 4 ईयर्स के अंदर मुझे वो मेच्योरिटी अमाउंट जो है हर एक साल मिलने वाली है वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोर्शन में मिल रही है तो इसका मतलब वो अच्छी बात है। तो पे बैक रेसिप्रोकल का मतलब ये अमाउंट कितने साल कितने जल्दी से वो रिकवर होती है उसको हम बोलते हैं पे बैक रेसिप्रोकल।
तो यहाँ अगर हम एग्जांपल ये देखेंगे कि समझो मुझे एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मुझे 20 ईयर्स की मैंने इन्वेस्टमेंट की है, वो समझो मुझे 5 ईयर्स में रिकवर हो रही है, मतलब मेरा जो कैश फ्लो है एनुअल कैश फ्लो, मतलब पर ईयर मुझे कितना मिल रहा है, यहाँ मुझे 4,000 पर ईयर मिलेगा 5 ईयर्स तक हर एक साल में। बट समझो मेरी सेकेंड इन्वेस्टमेंट ऐसी है कि मैंने 20,000 की इन्वेस्टमेंट ही की, बट यहाँ का जो इन्वेस्टर है वो मुझसे 2 ईयर्स के लिए ही पैसा मांग रहा है, वो मतलब इन्वेस्टर नहीं सॉरी जो भी बोरोवर है वो मुझसे दो ईयर के लिए ही पैसा मांग रहा है। तो यहाँ मतलब क्या मेरा 10,000 पर ईयर वो मुझे मतलब वापस पे करने वाला है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ ज़्यादा जल्दी से मेरी पैसे की रिकवरी हो रही है। तो उसको तो इन दोनों में से बेटर कौन सा है, ये वाला। वाई? बिकॉज यहाँ मुझे पैसे की रिकवरी ज़्यादा जल्दी से हो रही है, तो इसकी वजह से ये मेथड के अंदर कंक्लूजन ये निकलता है कि हायर द पे बैक पीरियड बेटर इट इज़। या जब आपने ये नोट्स बना लिए होंगे तब आप ये भी सारे लिख देना पॉइंट, हायर द पे बैक पीरियड बेटर इट इज़। सो फिर से रिपीट करती हूँ, पे बैक पीरियड के अंदर आप ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो कि भाई मुझे कितने सालों में पैसा रिकवर हो रहा है, बट पे बैक रेसिप्रोकल के अंदर आप अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो कि हर एक साल में एंडिंग पे मुझे कितना अमाउंट मिल रहा है, जितना ज़्यादा अमाउंट मिलेगा उतनी ज़्यादा रिकवरी जल्दी से होगी। तो इन्वेस्टर हमेशा पे बैक पीरियड जो होगा वो मतलब पे बैक रेसिप्रोकल के अंदर पीरियड कम होगा वो उसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब कि उसकी मेच्योरिटी अमाउंट जितना जल्दी मिलेगी उतना वो उस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड रहेगा। अब लास्ट मेथड है इसके अंदर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के अंदर फॉर्मूला ही मैं बता देती हूँ। सो ये है उसका फॉर्मूला, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला ये है, एवरेज एनुअल नेट इनकम डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब देखो मैंने नेट इनकम यहाँ हाईलाइट किया है, क्यों? बिकॉज हमारी जो दो पहले वाली टेक्निक्स जो थी विच इज़ पे बैक पीरियड एंड पे बैक रेसिप्रोकल, ये दोनों टेक्निक्स के अंदर हम कैश फ्लो कंसिडर कर रहे थे, बट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ये यहाँ कैश फ्लो कंसिडर नहीं करता है, यहाँ ये वाली टेक्निक जो है वो नेट इनकम कंसिडर करती है, मतलब कि वो डेप्रिसिएशन जो हम लेस करते हैं एक बार फॉर बेनिफिट ऑफ टैक्स वो उसको वापस से ऐड बैक नहीं करती है ये मेथड। अब ऐड बैक करना आपको कंफ्यूजन तो बहुत होगा यहाँ, क्योंकि टैक्स शील्ड एंड डेप्रिसिएशन इसके लिए पता होना ज़रूरी है, तो वो कंसेप्ट सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो यहाँ ये भी मैंने लिख ही दिया है नोट्स के अंदर, तो डायरेक्टली वहाँ ही जाते हैं। तो ये वाला कंसेप्ट टैक्स ऑन डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना वाला पार्ट आप भी अपनी नोटबुक में लिख देना ये पार्ट, ताकि जो आगे सम आएंगे तब आपको पता चलेगा कि हर एक टर्म का कहाँ का कौन सा रिलेवेंस है। सो टैक्स ऑन डेप्रिसिएशन इज सेम एज टैक्स ऑन इंटरेस्ट, मतलब जब हम इंटरेस्ट के ऊपर जो टैक्स शील्ड मिलती है उसका सेम ही है डेप्रिसिएशन के अंदर भी, मतलब सबसे पहले जो लाइन लिखी हुई है वो पढ़ लेते हैं। इट इज़ ऑलवेज प्रिफरेबल दैट to deduct depreciation from net profit before interest and tax, or you can say profit before interest and tax, though it is a non-cash expenditure it should not be considered or deducted from profit before tax in matlab interest and tax, but phir bhi for the purpose of taking benefit of the depreciation it is better to deduct depreciation from PBIT, means profit before interest and tax. Samjha kuch nahi hoga kyunki jis tarike se likha hai uske liye yahan aapko नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का फंडा क्लियर होना चाहिए, फिर यहाँ हम क्यों डिडक्ट करते हैं, क्यों ऐड करते हैं, इनके लॉजिक्स पता होने चाहिए, सब कुछ डिस्कस करूँगी। सो कुछ एग्जांपल्स लिए, तो देखो कंपनी के लिए जब भी कंपनी अपनी इनकम टैक्स के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है तब उनको टैक्स पे करना होता है, जैसा कि आपने इनकम टैक्स में देखा होगा। अब इनकम टैक्स के अंदर क्या था, डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते थे इनकम अंडर दैट बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर, उस डेप्रिसिएशन के अंदर आपको WDV मेथड फॉलो करनी थी कंपलसरीली, एंड जो स्ट्रेट लाइन मेथड जो थी मतलब कि SLM मेथड जो थी वो सिर्फ और सिर्फ पावर जनरेटिंग यूनिट्स, ऐसे कुछ स्पेशल बिजनेस थे मतलब पावर जनरेटिंग यूनिट्स को ही नॉर्मली छूट दी जाती थी कि वो आप स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करो, बट नॉर्मल जो टैक्स पेयर थे उन सबको WDV मेथड ही एप्लीकेबल होती थी।
उस मेथड के अंदर जो ब्लॉक ऑफ असेट्स हम करते थे, बनाते थे किस तरीके से कि भाई जो सारे असेट्स है जिसकी डेप्रिशिएट वैल्यू जो है, मतलब डेप्रिशिएशन परसेंटेज जो होगी अगर वो सेम नेचर के, तो उसको हम एक ब्लॉक में रखते थे, वैसे हम पूरा का पूरा कैलकुलेशन करते थे। अब जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ा है इनकम टैक्स, तो फिर उनके लिए ये डेप्रिशिएशन का कंसेप्ट थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग रहेगा, बट अब मैं इनकम टैक्स के प्रोविजन यहाँ डिस्कस करूँगी तो FM रह जाएगा। जितना हो सकता है मैं उतना क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले हम जैसे इनकम टैक्स के अंदर WDV मेथड फॉलो करते थे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिशिएशन, यहाँ हम FM में भी डेप्रिशिएशन मेथड ही फॉलो करने वाले हैं हर एक सम के अंदर। अब जब कंपनी के अंदर अगर कंपनी या फिर इंडिविजुअल दोनों में से कोई भी, तो उनको क्या है टैक्स कंपलसरी पे करना, मतलब अगर उनकी पर्सन अगर कोई रेसिडेंट होगा तो फिर उसकी एग्जेम्पशन लिमिट, मतलब कि 250,000 अगर वो नॉर्मल रेसिडेंट है वो, या फिर अगर सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख की जो एग्जेम्पशन लिमिट होगी वो, एंड सीनियर सिटीजन होगा तो क्या 5 लाख की लिमिट अगर वो क्रॉस हो जाती है तो उसके बियॉन्ड उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। बट इन केस ऑफ कंपनी इट इज़ कंपल्सरी टू पे इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स के प्रोविजन ये बोलते हैं कि कंपनी को अगर टैक्स का बेनिफिट लेना है, मतलब अगर वो उनको कम टैक्स पे करना है, तो उनको फिर वो सारे नॉन कैश एक्सपेंडिचर है उसको भी अपने नेट प्रॉफिट में से लेस कर दो ना, ताकि क्या आपका प्रॉफिट कम शो हो, और प्रॉफिट कम होगा तो इसका मतलब प्रॉफिट के ऊपर, मतलब कि इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो मतलब उसके ऊपर तो इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो इनकम टैक्स बच जाएगा। तो फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ टैक्स, तो उसके लिए हम क्या करते हैं डेप्रिशिएशन, जैसे मतलब डेप्रिशिएट नॉट ओनली डेप्रिशिएशन, बाकी भी जो सारे नॉन कैश एक्सपेंडिचर होते हैं वो भी हम जानबूझ के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से लेस कर देते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट कम आए। तो इसके अकॉर्डिंगली डेप्रिशिएशन भी एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। अगर हम कॉमन सेंस से देखें तो डेप्रिशिएशन लेस नहीं करना चाहिए, बिकॉज डेप्रिशिएशन की वजह से हमारी कंपनी के अंदर कोई कैश का आउटफ्लो तो नहीं हो रहा है, हम डेप्रिशिएशन के वजह से, मतलब डेप्रिशिएशन लगाने की वजह से अलग से किसी को पैसा तो पे नहीं कर रहे, तो वो तो जस्ट टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए हम नॉन कैश एक्सपेंडिचर को भी इंक्लूड करते हैं। तो इतना क्लियर करने के बाद फिर से लाइन पढ़ते हैं कि अगर हमें टैक्स का बेनिफिट लेना होगा तो डेफिनेशन डिडक्ट करोगे उतना अच्छा होगा। एग्जांपल के अकॉर्डिंगली समझते तो ज़्यादा अच्छे से समझेगा। सो हमने यहाँ दो एग्जांपल लिया है, एक है कंपनी एक्स एंड दूसरी है कंपनी वाई। सो कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई की जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब कि PBIT मीन्स, इसको ही हम बोलते हैं नेट इनकम। नेट इनकम इन अ सेंस कि यहाँ हम प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट को लेस नहीं, इंटरेस्ट एंड टैक्स को लेस नहीं करते। जो इनिशियल इनकम मिलने वाली है, समझो हमने दोनों कंपनी के अंदर 50-50 रुपीज़ अज्यूम किया है। अब समझो कंपनी एक्स है वो बोलती है भाई मैं नॉन कैश एक्सपेंडिचर को कंसिडर नहीं करता हूँ अपने PL के अंदर, एंड कंपनी वाई जो है वो मतलब उसकी जो भी प्रोविजन्स है, उसकी जो भी पॉलिसी, उसके अंदर कंपनी वाई ने बोला हम भाई डेप्रिशिएशन का प्रोविजन करेंगे, मतलब कि डेप्रिशिएशन को हर एक साल हम अपने PL में से लेस करेंगे। सो ये PL के अंदर से डेप्रिशिएशन लेस नहीं करता है, बट ये कंपनी जो है वो डेप्रिशिएशन को कंसिडर करता है। नाउ अब डेप्रिशिएशन ये 10 रुपीज़ मैंने अज्यूम ही किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपीज़ का असेट है उसके ऊपर 10% करो तो कितना रुपीज़, 10, ये अज्यूम किया है। तो समझो मैंने ये 10 रुपीज़ यहाँ से डिडक्ट किया, और उसमें से अब यहाँ तो कोई डेप्रिशिएशन है तो डायरेक्टली 50 रुपीज़ वैल्यू आ जाएगी, यहाँ हमने डेप्रिशिएशन डिडक्ट किया तो यहाँ हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आया 40 रुपीज़। तो यहाँ ये 40 रुपीज़ की वैल्यू आई। तो अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारा प्रॉफिट इस कंपनी के अंदर ज़्यादा है बट इस कंपनी के अंदर कम है। अब कैसे भी टैक्स बेनिफिट होगा, अगर आगे आप फिर चार्ज करो टैक्स 30%, तो इसकी इनकम के ऊपर 30% चार्ज, 50 रुपीज़ के ऊपर 30% चार्ज करोगे तो 15 रुपीज़ आया, एंड इसकी इनकम मतलब कंपनी वाई की इनकम 40 रुपीज़, उसके ऊपर टैक्स का आप परसेंटेज चार्ज करो तो 12 रुपीज़ आया। अब लास्ट में आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको ही हम बोलते हैं कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, राइट। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ इसकी इनकम जो है वो आई है 35 रुपीज़, एंड यहाँ इनकी इसकी इनकम जो आई वो आई 28 रुपीज़। बट 28 रुपीज़ आई तो क्या हुआ, यहाँ
अब इस 28 रुपीज़ के अंदर हमने जो बेनिफिट लिया था यहाँ डेप्रिशिएशन का 10 रुपीज़, उसको ऐड बैक भी तो करोगे। क्यों ऐड बैक करोगे? क्योंकि वो तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर था। अब हमें कैश फ्लो कंसिडर करना, मतलब अब इनकम टैक्स यहाँ पे हो चुका है, अब हमें अपनी रियल पोजीशन पे आना है कि भाई डेप्रिशिएशन तो हमारी इनकम के अंदर नॉन कैश एक्सपेंडिचर था, तो हमारी टोटल इनकम कितनी थी? अगर हम इनकम टैक्स पे करने के बाद हमारा जो पैसा बचा है 10 रुपीज़ यहाँ डेप्रिशिएशन, उसको ऐड बैक कर दोगे, तो आपको फाइनल कंपनी की जो इनकम है, रियल कैश फ्लो कितना है कंपनी के पास, वो पता चलेगा, विच इज़ 38 रुपीज़। तो यहाँ अगर कंपनी की इनकम देखो तो यहाँ 35 रुपीज़ है, क्योंकि उन्होंने डेप्रिशिएशन का बेनिफिट नहीं लिया, बट यहाँ कंपनी ने डेप्रिशिएशन का बेनिफिट कंसिडर किया है, इसके लिए इसका कैश फ्लो ज़्यादा आया है। कैश फ्लो मीन्स वॉट? यहाँ समझ लो आप कंपनी की इनकम ही समझ लो, कंपनी की इनकम यहाँ ज़्यादा बता रही है। क्यों? बिकॉज यहाँ उन्होंने टैक्स पे कर दे, टैक्स पे करने के बाद वो कुछ भी करे अपने कैश फ्लोज के अंदर, जो भी छुपी हुई इनकम होगी या नॉन कैश एक्सपेंडिचर ऐड कर दे, तो यहाँ उसकी इनकम ज़्यादा आ रही है, यहाँ कम आ रही थी। तो इसका मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर कैपेसिटी है कि वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगने वाले प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट यहाँ 35 रुपीज़ है, मतलब ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ 35 रुपीज़ मिलने वाले प्रोजेक्ट के अंदर ही इन्वेस्ट कर पाएगी। सो यहाँ ये जो 15,000 माइनस 12,000 करोगे तो आपको यहाँ टैक्स बेनिफिट विच इज़ टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिशिएशन 3 रुपीज़ मिल जाएगा। यहाँ ये कंपनी 15 रुपीज़ टैक्स पे, यहाँ 12, तो इस कंपनी को बेनिफिट मिल रहा है 3 रुपीज़ का, जिसको ये हम बोलते हैं टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिशिएशन। सो इसको हम बोलते हैं कंसिडर्ड एज कैश इनफ्लो, बिकॉज वॉट? यहाँ ये 3 रुपीज़ की एक देखे तो इनकम ही हुई है, बचा ही है इतना, तो मतलब कैश इनफ्लो समझोगे। तो इसकी वजह से अब हम नेट इनकम के कंसेप्ट पे आते हैं कि ये नेट इनकम का मतलब क्या है। ये यहाँ आपको कैश फ्लो मिल चुका है 38 रुपीज़ का, इस 38 रुपीज़ को ही हम इन दो मेथड के अंदर कंसिडर करते हैं, इन दोनों मेथड के अंदर। बट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बोलती है हमें ये सब नहीं चाहिए चोचले, हमें सिर्फ और सिर्फ नेट इनकम से मतलब है। अब यहाँ नेट इनकम कौन सी होगी? नेट इनकम इनकम होगी ये, यहाँ ये 28, तो इसको हम बोलते हैं नेट इनकम। तो हमारी एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एनुअल रेट ऑफ रिटर्न मेथड जो है वो ARR मेथड जो है वो यहाँ नेट इनकम को कंसिडर करती है। नेट इनकम ये यहाँ दूसरा एग्जांपल ये कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये आया, उसमें डेप्रिसिएशन लेस किया, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, टैक्स लेस करोगे तो यहाँ आपको ये नेट इनकम मिल जाएगी। एंड इसको ही यहाँ हमारी इस मेथड के अंदर कंसिडर किया है। तो ये मेथड बोलती है कि भाई आप नेट इनकम को ही कंसिडर करो, क्यों आप कैश फ्लो ले रहे हो? बट हालांकि कैश फ्लो लेना ही एक्यूरेट माना जाता है, वही ज़्यादा प्रेफरेबल माना जाता है, साइंटिफिक मेथड मानी जाती है। एंड एवरेज इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? ओपनिंग में जो इन्वेस्टमेंट होगी वो प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ एवरेज इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। अब क्वेश्चन के अंदर काफ़ी बार क्या है, ओपनिंग दिया है बट क्लोजिंग नहीं दिया, तो इन दैट केस आपको इनिशियल सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग इन्वेस्टमेंट ही लेनी है। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर है। तो यहाँ तक सारी मेथड, ये तीन मेथड तो क्लियर है, बाकी के ये सारी मेथड्स है। अब आपको ज़्यादा बर्डन लग रहा होगा, तो इसकी वजह से अब मैं यहाँ ये टॉपिक का फर्स्ट पार्ट एंड करती हूँ। हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर ये सारे पार्ट्स देखेंगे, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको नेक्स्ट कंसेप्ट के जाने से पहले ट्रेडिशनल टेक्निक्स के जो सम है वो जितने बुक में हमें पहले वो करा दूँगी आपको, एंड उसके बाद हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज़ डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। यहाँ इसी के साथ ये सेशन ख़त्म होता है। एंड यहाँ तो मुझे नहीं लगता कोई आपको डाउट है, अगर होगा तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। एंड नेक्स्ट जब सेशन मैं अपलोड करूँगी उससे पहले आप इतना अपने इतनी प्रिपरेशन करके रखना कि आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो मेथड है अभी भी नहीं आती है, तो फिर से जाके देख लो। एंड उस मेथड का कैलकुलेशन आ रहा है तो उसके बेसिस के ऊपर ही आगे के सम सॉल्व होने वाले हैं। एंड दूसरा, आपको ये जो टेबल मैंने ड्रॉ किया है, ये इस टेबल का कैलकुलेशन ही आपको अब कैपिटल बजटिंग के सम के अंदर आना होगा आएगा। अब यहाँ कैश फ्लो तो मैंने डायरेक्टली यहाँ कंसिडर कैलकुलेट कर लिया, क्वेश्चन के अंदर ऐसा हो सकता है सेल्स में से आप माइनस करो वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन मिला, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करोगे, फिर जाके आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो उसको हम बोलेंगे। और उस प्रॉफिट के अंदर भी डेप्रिसिएशन का जो कैलकुलेशन होगा ये वहाँ आपको ये प्रॉफिट तब जाके मिलेगा सब कॉस्ट लेस करके, उसके बाद ये डेप्रिसिएशन ये सब निकालोगे और इस तरीके से कैश फ्लो फाइंड आउट करोगे। बाद में ये जो सारे फॉर्मूला हमने लिखे हैं कि लाइक ARR एंड मतलब ये सारे फॉर्मूले के ऊपर उसका एप्लीकेशन होगा, तो इस तरीके से आगे का कैलकुलेशन होगा। एंड यहाँ ये सेशन वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।